किलोमीटर जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 11,000। ठीक है, इससे कम भी है, टेंशन ना लो, लग्जरी लाइन में ही पूरी गाड़ी जो है लोडेड है फीचर से, एक एक चीज, यू नेम द फीचर एंड इट्स देयर। किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ है 6,000। आपके लिए जो आज सारी 5 सीरीज लेकर आए हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। उसके साथ साथ हमें सनरूफ मिलती है एंड उसके साथ साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिलता है इसमें। मतलब आगे से लेके पीछे तक एक एक चीज एम स्पोर्ट की फिट है इसमें, वो भी कंपनी से जो ओरिजिनली होती है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मतलब मैं चौकड़ी मार के बैठ जाऊंगा, लिटरली बता रहा हूँ। ये अपने आप ही डी में जाएगी, देखो डी में गई ना अपने आप। हाँ जी, डन हो गई पार्किंग कंपनी। लीगल प्लेन है रोड पे जो उड़ता है सड़कों पे, इस तरीके की गाड़ी है। 1, 2, 3 तो ये कुछ हल्के में मत ले लेना इस गाड़ी को, बिल्कुल भी फीचर के मामले में। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है ना वो बहुत ही खास है, क्यों? क्योंकि आज हमारे पास है BMW। हमारे साथ तो जुड़ेंगे नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो बेस्ट इंपीरियो। जैसे कि पान मैंने बोला ये कि आज हम BMW लेकर आए हैं, तो सारी की सारी आप देख रहे हो 5 सीरीज लेकर आए हैं। इनमें डिफरेंस है हर गाड़ी में, चाहे वो किलोमीटर्स का हो, चाहे वो इंजन का हो, चाहे वो ईयर का हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। सबसे लास्ट में हम करेंगे सबसे खतरनाक वाली, पहले जो मेरी फेवरेट है। हाँ, तो मेरे को इसको तभी हमने साइड रख दिया है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है। एक बार आप इसको देख लो कैसी लग रही है, आप जरूर बताना। अब चलते हैं आगे। तो नमन, इन तीनों में क्या फर्क है? इन तीनों में डिफरेंस किसी भी चीज का नहीं है, क्योंकि तीनों ही लग्जरी लाइन है। तो हम सबसे पहले अगर ब्लैक वाली की बात करें, यह है 19 मॉडल। किलोमीटर आपको पता ही है, ज्यादा तो रखेंगे नहीं हम। भाई मैं तो ये चला के आऊँ, इसके तो इतने कम है कि कुछ कहने की नहीं। अब ये कहीं इससे भी कम कर देंगे तो फिर मजे आ जाएगा। इससे कम नहीं होंगे, बट ये कम है फिर भी। जो हम 19 मॉडल गाड़ी हमारी है, लग्जरी लाइन है, और किलोमीटर जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 11,000। ड्राइव क्वालिटी एज यूजल BMW की हमेशा से अच्छी रही है। और BMW अगर हम इन 5 सीरीज को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करी जाती है ऑडी A6 से, मर्सिडीज ई क्लास से। तो हम क्यों ये लें, हमारा क्यों ये कॉल होना चाहिए 5 सीरीज लेने का, इसका एक रीजन है। सबसे पहली बात तो जो कि ड्राइव के बहुत ज्यादा शौकीन है उनके लिए। दूसरी चीज, जिनको प्रीमियमनेस ज्यादा चाहिए, एक हमें इसके अंदर प्रीमियमनेस ऑब्वियसली मिलती है। मर्सिडीज हम ऑब्वियसली कहते हैं कंफर्ट वाला ब्रांड है, प्रीमियमनेस मिलती है, बट उसमें वो वाली ड्राइव नहीं मिलती जो इसमें मिलती है। आइए जरा इंटीरियर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। BMW का इंटीरियर में बहुत बड़ा रोल एक प्ले करती है, क्योंकि इंटीरियर का जो कलर होता है, लोग स्पेसिफिकली कलर पे फोकस करते हैं लेने के लिए, राइट? क्योंकि इनके साथ भी कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत अमेजिंग लगता है, जो कि इसका कोनियाक इंटीरियर होता है। अच्छा, इसको कोनियाक कहते हैं? इसको हम कोनियाक कहते हैं, बाकी ब्रांड्स में इसको हम टैन भी कहते हैं, बट इसमें हम इसको कोनियाक कहते हैं। ठीक है, अब लोग ये बात करते हैं कि भाई मर्सिडीज में ही आपको ज्यादातर ये देखा गया कि इंटीरियर वाइज बेटर मिलती है। इसका इंटीरियर भी बहुत ज्यादा शानदार, बहुत अमेजिंग है। पूरी गाड़ी जो है लोडेड है फीचर से, एक एक चीज, यू नेम द फीचर एंड इट्स देयर। तो कहीं भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बताया, 2 लीटर इंजन होने के साथ साथ भी बहुत अमेजिंग ड्राइव मिलती है हमें 5 सीरीज में। क्या डिटेल रही है इसकी? जो गाड़ी है 2019 मॉडल है, 11,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और गाड़ी की हम आस्किंग कर रहे हैं 47,75,000 ओनली। मतलब अगर आपको इस सेगमेंट में आज आप अगर नई 3 सीरीज भी लेने जाते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी पड़ती है 50-55 के आसपास। अच्छा। नई 3 सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको उसी रेंज में, उससे कम रेंज में बल्कि हम बात करें 47 की रेंज में इतनी कम चली गाड़ी मिल रही है, तो इससे ऊपर क्या है। अब आ गए हम दूसरी BMW के पास। ये गाड़ी चली हुई है 6,000 किलोमीटर, मैं इस गाड़ी को चला के आया हूँ। ये वाली कौन सी है, इसके बारे में बताएं? ये वाली भी जो गाड़ी है, दिस इज 520D लग्जरी लाइन, बट ये जो मॉडल है ये है 2018। किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ है 6,000, राइट? और गाड़ी की हम आस्किंग कर रहे हैं 47,75,000 ओनली। तो नमन, ये जो इंटीरियर है, जैसे इसमें भी सेम हमें कोनियाक इंटीरियर मिल रहा है, डिफरेंस क्या हमारा एक्सटीरियर का, मॉडल का और किलोमीटर का? आपके लिए जो आज सारी 5 सीरीज लेकर आए हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है। अब कलर के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आती है, यूज कार में लोग सोचते हैं हमें कलर ऑप्शन नहीं मिलता, right? तो आज वो भी लेकर आ गए हैं आपके लिए। हम काफी बार लेकर आए जिसमें हमें ऑलमोस्ट सेम कलर्स मिलते हैं, बट गाड़ियों का मॉडल अलग होता है, किलोमीटर अलग होता है। बेसिक अगर फीचर्स की बात करें तो बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स के अंदर क्या क्या अपने को मिल जाते हैं? स्टैंडर्ड फीचर्स की हम बात करें, सबसे पहले तो एम्बिएंट लाइटनिंग बहुत आज के टाइम में हमारा जो फीचर एक ना नेसेसिटी बन चुका है गाड़ियों में, कि एक बहुत अच्छा लुक देता है गाड़ियों में, अट्रैक्ट करता है और ज्यादा, राइट? जब आप गाड़ी में बैठते हैं आपकी ऑरा बनाता है गाड़ी के अंदर। उसके साथ साथ हमें सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक नहीं होती, नॉर्मल सनरूफ होती है, एंड उसके साथ साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिलता है इसमें BMW में। ओके, अब एक बार आपको बूट स्पेस दिखाता हूं। वैसे तीनों का सेम ही है। तो ये है इसका बूट स्पेस, काफी अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, काफी डीप स्टोरेज मिल जाता है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता इसमें, हमें मैनुअल बूट मिलता है, और स्पेस हमें पूरा पूरा मिलता है। अगर हम रियर साइड बैठते हैं तो भी हमें प्रॉपर एक स्पेस मिलता है। अच्छा, आप एक चीज नोट कर पाएंगे कि जो इसके एग्जॉस्ट हैं, ड्यूल एग्जॉस्ट हैं इसके अंदर जो मिलते हैं 2 लीटर। अब बात करते हैं
हैं तीसरी कार की जो हमारे पास है BMW की एक और 520D लग्जरी लाइन। बट इसमें थोड़ा सा फर्क जो देखने को भी मिल रहा है मुझे कि इसके अलॉय थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। अब ये वाली 5 सीरीज जो हम लाए हैं थोड़ी सी लाए हम पॉकेट फ्रेंडली, बाकी जो दोनों थी हमारी 47 की रेंज में थी। अच्छा जी, मुझे तो लगा ये महंगी होगी क्योंकि इसमें अलॉय लगे हुए हैं। इसकी भी आपको मैं डिटेल बता देता हूं। तो ये वाली जो हमारी गाड़ी है ये है 2018 मॉडल, 40,000 किलोमीटर ड्रिवन है, लग्जरी लाइन है और इसकी हम आसिंग कर रहे हैं 42,75,000 ओनली। अब थोड़ा सा इसमें और जो अदर कार है उनमें डिफरेंस क्या क्या दिखने को मिला? पहले मैं आपको आगे से बताऊंगा, आप दोनों की ग्रिल्स देख सकते हो। इसमें हमें क्रोम फिनिश मिल रहा है, उसमें ब्लैक फिनिश कराया हुआ है। उसके साथ साथ जो अलॉय व्हील्स हैं ये भी आफ्टर मार्केट अपग्रेडेड है। बाकी दोनों गाड़ियों हमने देखे वो स्टॉक अलॉयज आते हैं जो लग्जरी लाइन में मिलते हैं। राइट राइट राइट। BMW एडाप्टिव LED लैंप्स मिलते हैं इसमें हमें तीनों में और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाले। अब हम रुक करते हैं उस गाड़ी की तरफ जो गाड़ी इनसे थोड़ा हटके है। ये गाड़ी जो है वो उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी जिनको शौक है चलाने का। गुरु चलाने का अगर आपको शौक है तो ये गाड़ी जहाज है, लीगल प्लेन है, रोड पे जो उड़ता है सड़कों पे, इस तरीके की गाड़ी है। फास्टेस्ट डीजल कार BMW 530D M Sport, जिसमें आपको टोटली डिफरेंस क्या मिलता है मैं आपको बताऊंगा शुरू से। इसमें हमें मिलता है जो बम्पर डिफरेंट होते हैं जो कि आप देख सकते हो M Sport के बम्पर्स हैं। उसके साथ साथ ये वाले जो अलॉय व्हील्स हैं ये स्टॉक अलॉयज हैं जो कि स्मोक ग्रे कलर में मिल रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ ब्रेक कैलिपर्स पे भी हमें M Sport की बैजिंग मिल रही है और जो आप साइड में देख सकते हो यहाँ भी M Sport की बैजिंग। जो साइड क्लैडिंग्स है मतलब आगे से लेके पीछे तक एक एक चीज M Sport की फिट है इसमें, वो भी कंपनी से जो ओरिजिनली होती है। लेंथ हमें बिल्कुल सेम मिलती है जो हमारी 520D वाली होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। इसमें क्या डिफरेंस है इंजन का जो कि हमें मिलता है 3 लीटर, बाकी हमें मिलता है 2 लीटर, तो इसलिए ड्राइव का एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर आप लैंप्स देख सकते हो, सारी चीजें सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। पीछे बंपर्स का आपको डिफरेंस मिल जाता है। उसकी एग्जॉस्ट पाइप आपने देखी थी वो शेप अलग थी, इसकी शेप अलग है। अब अगर हम इसका एक बार बूट चेक करें तो मेरा सेम ही है बूट, स्पेस भी एग्जैक्टली सेम है, सारी चीजें सेम है, लेंथ एंड ऑल। डिफरेंस हमें मिलता है जो इसकी M Sport की किट है जो कि ओरिजिनली कंपनी से मिलती है और 3000cc इंजन और अंदर जो फीचर्स जो मैं आपको सारे बताऊं। और एक चीज और जो हमने देखी है इस टाइम, इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफी डिफरेंट है, कलर बेज इंटीरियर है। हां बेज इंटीरियर है और इसमें हमें स्क्रीन भी दिख रही है पीछे। इवन आपको इसकी सीट्स में भी डिफरेंस मिलेगा, जो सीट्स के डिजाइन है या सीट्स का लेदर कह सकते हो वो भी डिफरेंट होता है। पीछे रेयर एंटरटेनमेंट मिल रहा है, 360° कैमरा आ गया, हार्मन कार्डन एंड और काफी सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि 360 कैमरा में, 360 कैमरा में सारी लग्जरी लाइन में मिलता है, बट जितनी लग्जरी लाइन में, लग्जरी लाइन में जी, स्पोर्ट्स लाइन में नहीं है। लेकिन हमारी जितनी भी वो गाड़ियां आप देख पा रहे हैं उसमें भी आपको 360 व्यू कैमरा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फीचर में वो भी कम नहीं है, इक्वली है फीचर में, बिल्कुल इक्वली है। थोड़े बहुत पावर, मेरे ख्याल पावर का है, 3000cc इंजन ये है, वो 2000cc है, तो चला ही लेते हैं फिर इसको। तो चलिए अब शुरुआत करने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको इसका जो कैमरा है वो देख लेते हैं। नमन, इसके जो कैमरा है इसके बारे में कुछ बताओ। 360 कैमरा 5 सीरीज में भी मिल रहा है, 530 में भी मिल रहा है, लेकिन जो इसका व्यू होता है ना इतना ज्यादा अमेजिंग और इतनी अच्छी क्लैरिटी होती है, अगर आपको रिवर्स करना है कहीं पार्क करनी है तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। फोन में एक बार काउंट करना शुरू करो इसके फीचर। सबसे पहले आपको शुरू करो बताना, हेड्स अप डिस्प्ले ठीक है, डिजिटल ओडोमीटर 2, एम्बिएंट लाइटनिंग 3, वायरलेस चार्जर 4, हार्मन कार्डन 5, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग 6, सनरूफ, टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले, हेयर एंटरटेनमेंट। अरे बस करो भाई, वॉट्स मोड लगाते हैं और भगाते हैं इसको और ना गिनवाओ अभी। नहीं नहीं बहुत हो गया, देखो सारे चेंज हो गया, अब ये रोड बन चुकी है, ये जस्ट बिकॉज मैंने ही बनवाई है कि काफी सारी गाड़ियों को एक्चुअली हमें ट्राई करने में प्रॉब्लम आता है। तो अब देखो थोड़ी सी आगे बैड है रोड, लेकिन अब देखो नमन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हम स्टॉप वॉच लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। आज मैं 100 नहीं करूंगा, दुनिया ने 100 कर दिया, मैं देखता हूं कि 50 कितने में जाती है। नमन ओवर टू यूरोप, सबको दिखा देना ठीक है। 1 2 3 ओ भाई बहुत आराम से जाएगी 3 सेकंड में। तो ये कुछ हल्के में मत ले लेना इस गाड़ी को, बिल्कुल भी फीचर के मामले में। एंड हम लोग प्रोफेशनल नहीं है इसको हम मेजर करने के लिए कितने सेकंड, लेकिन हमने तो अपने अकॉर्डिंग चेक किया, हमने अपने अकॉर्डिंग चेक किया, हमें कोई जज ना करने लग जाना है ये इससे भी कम जाती है या इससे ज्यादा जाती है। हमने जो आपको दिखाना था वो दिखा दिया प्रैक्टिकल। ये रही हमारी 3 गाड़ियां और ये रही हमारी गाड़ी। अभी करता हूं मैं पी पे। अब नमन ओवर टू यू। एक फीचर हमें ऐसा है इसके अंदर, काफी गाड़ियों में मिलता है, इनमें भी बहुत बेसिक फीचर ही मान जाता है, एक बार वो सबको दिखा देते हैं कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले आप ड्राइव पे करो गाड़ी को। ड्राइव पे कर दिया ठीक है जी। अब ये बटन देख रहे हो किसको हम प्रेस करेंगे। कर दिया जी, पार्क असिस्ट आ गया। अब राइट इंडिकेटर दे रहा हूँ मैं, अब गाड़ी चल रही है, अब देखते हैं फाउंड करती है नहीं करती। वैसे तो कर ही लेगी, जैसी बात है पार्किंग को। हाँ देखो क्या लिखा है, प्लीज स्टॉप द व्हीकल। स्टॉप द व्हीकल, अब कमांड क्या है, अब कैसे पार्क करनी है? इसने आ रहा है डायगोनल पार्क करना है, अपने पैरेलल पार्क करना है। कर दीजिए सिलेक्ट ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को शायद होल्ड डाउन पार्किंग बटन, हैंड्स ऑफ स्टीयरिंग व्हील। अब ये देखो ऐसा नहीं है वॉल्वो में क्या है ब्रेक पे पावर रखना पड़ता है, इसमें मैं इसको दबा के रखूंगा और ब्रेक को छोड़ दूंगा तो ये एक्सेलेरेट भी खुद करेगी और ब्रेक भी खुद लेगी गाड़ी। अब आप खुद नोट करना, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने ब्रेक से पाँव हटा दिया वैसे भी। अब हमने जैसे सिलेक्ट किया बिल्कुल वैसे लग रही है।
मैं कुछ नहीं कर रहा, मतलब मैं चौकड़ी मार के बैठ जाऊंगा, लिटरली बता रहा हूँ। ये अपने आप ही डी में जाएगी, देखना ये देखो डी में गई ना अपने आप। ए अब ये देख लीजिए आप, ए मेरे ख्याल कम्प्लीट, हाँ जी डन हो गया जी भैया, पार्किंग कंप्लीट। तो अब आप नोट कर पा रहे हैं, जैसी पार्किंग लगी थी वहीं गाड़ी खड़ी हुई है, अब आप देख लो और कितनी एक्यूरेट लगी है। मैं पहले वॉल्वो का फैन था, BMW कम नहीं है किसी से, इसके मैं भी तो पहले से ही बोलता हूँ। हाँ ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि BMW में लोग पावर की मैं भी बहुत बात करता था कि पावर, ऐसा नहीं है। पावर के साथ फीचर्स देन कम्फर्ट भी इसमें मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। डिटेल ये 530D M Sport 2017 मैनुफैक्चरिंग है, 18 रजिस्टर्ड है, 30,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है गाड़ी, आस्किंग कर रहे हैं 45,75,000 ओनली। ठीक है, तो ये तो हमने आपको दिखाई 5 सीरीज जो कि आज की वीडियो में थी, बट ऐसा नहीं है कि ऑटो बेस्ट पे सिर्फ 5 सीरीज मिलती हैं। बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट की आपको कोई भी गाड़ी खरीदनी हो, नमन आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल बीट द मिथ का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारी सारी गाड़ियां जो होती है ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आपको ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, छोटी इन द सेंस जो लो बजट की गाड़ी हो आपकी पॉकेट साइज वाली, या फिर जो की हो बड़ी, दोनों में हर चीज में आपको ऑप्शन मिलेंगे। एंड हमारे पास अभी काफी सारी गाड़ियों का स्टॉक अभी इस टाइम अवेलेबल है। आप बात करो सेडान्स की, तो आपने देखा हमारे पास 5 सीरीज भी है, ई क्लास भी है, ऑडी A6 भी है। उसके साथ साथ अगर हम लोअर सेगमेंट में जाते हैं, ए क्लास मिल जाएगी मर्सिडीज की, BMW X1 मिल जाएगी, जैगुआर XC मिल जाएगी, तो ये स्टार्टिंग सेगमेंट है। एंड ऊपर तो आप देख ही रहे हो रोल्स रॉयस रेथ, उसके साथ साथ लैम्बोर्गिनी हुराकन, तो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। स्टार्टिंग रेंज क्या चल रही है? स्टार्टिंग रेंज आप अगर हम बात करें अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 22 क्या मिल जाएगा, BMW 3 GT मिल जाएगी उसमें, जो कि हमारी 2015 मॉडल है। और उसके आगे जाते जाते आपको जैगुआर XC मिल जाती है, BMW X1 मिल जाती है, ऑडी A6 मिल जाती है। और ये सारा स्टॉक देख क्या सकते हैं? ये सारा स्टॉक आप जाकर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.autobest.co.in, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ऑटोबेस्ट इंटीरियर के नाम से जो है। और अगर आप चाहें जैसे कि हमारी गाड़ी की डील करनी है, फिजिकली आपने गाड़ी देखनी है, तो आप आए हमारे शोरूम पर, यू आर मोस्ट वेलकम एट रजौरी गार्डन टेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपसे मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर को भी टाइम है, दोबारा आएंगे।